Hello, darlings. It's showtime. Well, friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend, I'm Arun Sari. आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म वादे शाम के डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? What a response early in the morning, guys. Absolutely insane. गेटी में जिस तरह का कटआउट लगा, जिस तरह का सेलिब्रेशन हुआ एंड सारे के सारे लोग जो टिकट्स बुक किए थे उन सारे के सारे लोगों को स्वीट बॉक्स मिला. इतना ही नहीं तो गाइज, साउथ में स्पेशली तेलंगाना में इट वॉज एब्सोल्यूट केओस. सुबह 3 बजे का शो मैसिव फुल. देखिए गाइज, अगर आप एक प्रभास के फैन हो, अगर आप राधे श्याम देखने जा रहे हो, तो गाइज हिंदी वर्जन जो है दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू. क्योंकि गाइज मैंने आपके पहले ही सुबह के रिव्यू में कह दिया था कि द हिंदी डबिंग ऑफ प्रभास इज नॉट अप टू द मार्क. तेलुगु वर्जन फॉर्चुनेटली वो प्रॉब्लम जरा भी नहीं आती उसमें. द डायलॉग्स आर गुड, द डिक्शन आर गुड. जिस तरह से प्रभास अपने डायलॉग्स इमोट करता है तेलुगु में, बहुत ही ऑन पॉइंट रहता है. एंड गाइज द तेलुगु स्टेट्स वर एब्सोल्युटली ऑन फायर. कल राधे श्याम ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है. निजाम इज गोना बीट बाहुबली, बाहुबली 2. भीमला नायक का जो रिकॉर्ड था वो कल यहाँ पर प्रभास की राधे श्याम बीट करने वाली है, विच इज गोना बी एब्सोल्युटली ह्यूमंगस. पोस्ट कोविड राधे श्याम कमिंग इन मेकिंग इन अ निजाम रिकॉर्ड इज अ ह्यूज 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 अचीवमेंट. हे गाइस, वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा मिक्स्ड है. कुछ लोगों को ये फिल्म बोर कर रही है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा निराश कर रही है. लेकिन ऑल सेड एंड डन, डायरेक्टर राधाकृष्ण कुमार ने एफर्ट लिया है. उसका सेट डिजाइन, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू, जिस तरह से ये फिल्म माउंट हुई है बहुत ही लार्ज स्केल पर है. एंड गाइस यहाँ पे प्रभास के फैंस अब इस फिल्म को कैसे एक्सेप्ट करते हैं आज के बाद वो देखने लायक रहेगा. लेकिन गाइस सबसे बड़ा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट जो कहूंगा, डिसअपॉइंटमेंट कैपिटल लेटर्स है, वो है राधे श्याम का हिंदी वर्जन. किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राधे श्याम का हिंदी वर्जन इस तरह से जाएगा. देखिए गाइस, एक फिल्म नहीं चलती है तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो लोग स्टार को नहीं पसंद करते हैं वो तो जश्न मनाएंगे कि इनकी फिल्म नहीं चल रही है. अरे अच्छा हुआ इसकी फिल्म नहीं चल रही है. देखिए गाइस, एज एन इंडस्ट्री वी नीड टू सपोर्ट ऑल द फिल्म्स. यहाँ पर अगर कोई फिल्म का लॉस होता है तो यहाँ पर इन टोटालिटी इंडस्ट्री का लॉस होता है, थिएटर्स का लॉस होता है. तो इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है कि अगर एक फिल्म नहीं चल रही है. इट्स अ वेरी सैड मोमेंट कि यहाँ पर राधे श्याम का जो हिंदी वर्जन है वो पिकअप नहीं हुआ है. अनफॉर्चुनेट है गाइस. हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इनिशियल जितनी भी फिल्में आए, चाहे वो राधे श्याम हो, चाहे वो बच्चन पांडे हो, कश्मीर फाइल्स हो, सारी की सारी चले. झुंड डिस्पाइट बीइंग अ मैसिव गुड मूवी डिड नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस. तो ये एक नुकसान जो है थिएटर्स का, वो बहुत जल्द बंद होना चाहिए. अब अनफॉर्चुनेटली राधे श्याम गाइज हिंदी वर्जन में यहाँ पर जरा भी पिकअप करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, विच इज वेरी सैड. चलिएगा आज का एपिसोड शुरू करते हैं, देखते हैं राधे श्याम किस तरह से फर्स्ट दिन अपना जो बिजनेस है वो समाप्त करेगी. बट फ्रेंड्स, बात करूं हैदराबाद की, हैदराबाद में इसको 795 शोज मिले थे. एंड गाइज, द ऑक्यूपेंसी थ्रू आउट द डे वॉज 97%. इसी का कारण है यहाँ पर राधे श्याम विल ब्रेक द निजाम रिकॉर्ड. Humongous. एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है जो यहाँ पर पुष्पा एंड भीमला नायक के पास नहीं था, वो था इसके आंध्र प्रदेश के टिकट प्राइजेस. आंध्र प्रदेश के टिकट प्राइजेस जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया है कल, वो राधे श्याम के फेवर में गया है. टिकट के प्राइजेस है उसको बढ़ा दिया गया है. यस, सबसे बड़ा नुकसान ये था कि कल रात तक ऑलमोस्ट 8:30 बजे तक यहाँ पर राधे श्याम की जो एडवांस बुकिंग थी आंध्र प्रदेश में वो शुरू नहीं हुई. लेकिन एक बार जब शुरू हुई, आई हैव सीन सम क्रेजी वीडियोज, जिस तरह से सब लोग पागलों की तरह अंदर कूद कूद के थिएटर्स गए एंड उन लोगों ने टिकट्स बुक की. दिस इज स्टारडम एट इट्स पीक. कि अपने स्टार को किस तरह से थिएटर्स जाकर उनके फैंस जो है वो सपोर्ट करते हैं. दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डार्लिंग फैंस, यानी कि प्रभास फैंस. चलिए गाइस, एपिसोड आगे बढ़ाते हैं. बात करो बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में 519 शोज में 42% की ऑक्यूपेंसी थी. चेन्नई की बात करो, चेन्नई में 131 शो में मैसिव 62% ऑक्यूपेंसी थी. विजयवाड़ा 117 में से 117 शोज हाउसफुल थे. वरंगल में 59 शोज हाउसफुल थे. गुंटूर में 28 में 28 शोज हाउसफुल थे. वाइजैग में 101 शोज में 101 शोज हाउसफुल थे. यानी कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ऑल हैव टेकन अ बम्पर ओपनिंग. निजामाबाद 11 में 11 शोज फुल. अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की.
जहाँ पे इसका तेलुगु वर्जन लगा था वहां पे गए 74 शोज थे 27%, मुंबई में 43 शोज थे तेलुगु वर्जन के जहाँ पे 29% ऑक्यूपेंसी थी, करीमनगर 21 में 21 शोज फुल, काकीनाडा में 23 में 23 शोज फुल, यानी कि इसके जो साउथ स्टेट्स है वहां पे इस फिल्म ने ट्रमेंडस बिजनेस किया है जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। देखिएगा इस पैन इंडिया लेवल पर अगर आपकी फिल्म लेकर आ रहे हो सबसे पहले बात तो एडवांस बुकिंग मंडे को शुरू करनी है। कल रात को ही मैंने अपना एडवांस बुकिंग कम करके 20 करोड़ कम करके जो एक्सपेक्टेशन था मेरा उसको 80 करोड़ तक लेकर आ गया। ये गाइस कल रात को पता चल गया था कि द हिंदी वर्जन विल बी अ नो स्टार्टअप, हिंदी वर्जन विल नॉट एट ऑल स्टार्ट ग्रेट। फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड था एंड वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा ना आने के कारणवश यहाँ पर राधे श्याम को मैसिव नुकसान होने वाला है हिंदी वर्जन में। बात करो मुंबई की जो गाइस 428 शोज, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, सिर्फ 428 शोज है। क्या एग्जीबिटर को पता चल गया था कि फिल्म ये एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि प्रभास जैसे बड़े स्टार की फिल्म मिनिमम 900 शोज में आनी चाहिए थी। यहाँ पर मुंबई 10% ऑक्यूपेंसी, एब्सोल्युटली सैड। ऐसा नहीं है कि फिल्म बिजनेस वापस से स्टार्ट नहीं हुआ है, फिल्म बिजनेस वापस से स्टार्ट हो चुका है। हमने गंगूबाई को देखा किस तरह से स्टैगरिंग ओपनिंग ली थी गंगूबाई ने, एंड अ स्टार लाइक प्रभास नॉट टेकिंग एन ओपनिंग, दिस इज शॉकिंग गाइस, दिस इज वेरी सैड हिंदी वर्जन में। लेकिन ऑल सेड एंड डन गाइस, आने वाली जितनी फिल्में हैं प्रभास की, चाहे वो सलार हो विद प्रशांत नील, ह्यूमंगस, आदि पुरुष मैसिव, उसके बाद स्पिरिट आ रही है संदीप रेड्डी वेंगा की, अ ड्रीम लाइनअप फॉर इंडिया बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, लेकिन दिस वन हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। बात करो दिल्ली एनसीआर की 463 शोज में 9% ऑक्यूपेंसी, पुणे 140 शोज में 8% ऑक्यूपेंसी, बैंगलोर 32 शोज ओनली 32 शोज 12% ऑक्यूपेंसी, कोलकाता 170 शोज 8% ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद 273 शोज में ओनली 12% ऑक्यूपेंसी। हिंदी ने इतना डिसअपॉइंट किया गाइस, एंड कल रात को ही मैंने आपको बताया था कि हिंदी वर्जन इज गोना डिसअपॉइंट अ लॉट। कहा 12-13 करोड़ का प्रेडिक्शन, कल रात 6-7 करोड़ आया, एंड गाइस अब वो 6-7 करोड़ रुपए पे आता हुआ नहीं दिख रहा। अगर कश्मीर फाइल्स राधे श्याम को फर्स्ट डे बीट कर दी ना, इट विल बी अ सैड मोमेंट फॉर प्रभास इन द हिंदी बेल्ट, वेरी सैड मोमेंट। एटलीस्ट इसको पुष्पा से ज्यादा कमाना पड़ेगा फर्स्ट दिन। बात करूंगा इस जयपुर की, तो जयपुर में 101 शोज में 12% ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में 68 शोज में 8% ऑक्यूपेंसी, वेरी लेस, भोपाल 6%, लखनऊ 7%, हिंदी वर्जन यहाँ पर 3.5 और 4 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रहा है। आई एम गोइंग बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, सिर्फ 4 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रहा है। बात करूंगा इस तमिल शोज की, तो चेन्नई में 82 शोज थे ओनली 19% ऑक्यूपेंसी, मदुराई 24 शोज थे 15% ऑक्यूपेंसी, पौंडीचेरी 7 शोज थे 8% ऑक्यूपेंसी, तमिल वर्जन ऑल्सो हैज नॉट पिक्ड अप। मलयालम वर्जन की बात करूं गाइस, तो मलयालम वर्जन कोची में 16 शोज थे 11% ऑक्यूपेंसी थी, त्रिवेंद्रम में 15 शोज थे 2% ऑक्यूपेंसी थी, यहाँ पे त्रिशूर में 12 शोज थे 3% ऑक्यूपेंसी, यानी कि दिस हैज ऑल्सो बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। अब गाइस पूरी उम्मीद है रेस्ट ऑफ इंडिया के तेलुगु वर्जन के शोज से, जो ये कर्नाटका में भी लगे थे, अन्य जगहों पर लगे थे, एंड ओवरसीज कलेक्शन से, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सैड स्टोरी। प्रभास की लास्ट फिल्म साहू ने 133 करोड़ का ग्रॉस किया था फर्स्ट डे कलेक्शन। राधे श्याम का जब मैंने फर्स्ट दिन 100 करोड़ का प्रेडिक्शन दिया तो बहुत लोगों ने कहा था कि आई एम एक्टिंग वेरी स्टूपिड, 100 करोड़ तो बहुत कम बता रहा है तू, मिनिमम 140 जाएगा। देख गाइस दिस इज पोस्ट कोविड, एंड ये एक्शन जॉनर की फिल्म नहीं है, एंड हिंदी का मैंने 12-13 करोड़ का प्रेडिक्शन दिया था फर्स्ट दिन का, एंड यू गाइस वर लाइक नहीं 18 करोड़ का प्रेडिक्शन देना चाहिए तुमको पहले दिन का, एंड कल रात को भी मैंने जब 6-7 करोड़ का प्रेडिक्शन दिया तो पीपल लाइक कि नहीं 10 करोड़ तो मिनिमम कमाएगी। देखिए गाइस अनफॉर्चुनेटली द फिल्म हैज नॉट पिक्ड अप, पीपल आर नॉट लाइकिंग द फिल्म, एंड इसी का कारण एक कलेक्शन में दिखाई दे रहा है। देखिए गाइस निजाम में ये कल कैसे भी 12 से 12.5 करोड़ रुपए कमाकर भीमला नायक का जो फर्स्ट डे का ऑल टाइम रिकॉर्ड है वो तोड़ देगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना विल हैव अ शेयर ऑफ 35-36 करोड़ रुपीस, एंड हिंदी वर्जन चलो 3.5 से 4.5 करोड़ का प्रेडिक्शन ले लो आप लोग, यानी कि नेट कलेक्शन पूरे इंडिया में 50-53 करोड़ का होगा नेट कलेक्शन। बात करूं ग्रॉस की तो आराम से ग्रॉस उसका 60-65 करोड़ चले जाएगा, एंड ओवरसीज लेट्स सी क्या ये 1 मिलियन तक कमाती है, क्योंकि एडवांस हुआ था यूएसए प्रीमियर्स में वो भी 1 मिलियन टच नहीं हुआ, यानी कि कल वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 65-70 करोड़ जाते हुए दिखाई दे रही है ऑन इट्स फर्स्ट डे, क्योंकि हमारे सारे लोगों से एक्सपेक्टेशन से कम है। अब गाइस कल से इसका वर्ड ऑफ माउथ बोलेगा,
कल भी अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं आया देन इज अ नो शो फॉर राधे श्याम एंड हिंदी वर्जन अब यहां से सर्वाइव होते हुए मेरे को दिखाई नहीं दे रहा गाइस विच इज गोना बी वेरी सैड। ये अब कितनी बार हो गया आप लोग देखिए, हम लोग रेगुलर ट्रैक कर रहे हैं सिनेमा हॉल जाकर, हमने देखा खिलाड़ी के टाइम पर भी हुआ, ये वाली माई के टाइम पर भी हुआ, भीमना नायक का तो हिंदी वर्जन आया भी नहीं एंड यहाँ पर अब ये राधे श्याम के साथ होगा, ये किसी ने भी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। सैड डे गाइस, बुरा लगता है जब एक फिल्म पैसा नहीं कमाती है क्योंकि बहुत मेहनत जाती है एक फिल्म में गाइस। राधे श्याम बनाने के लिए 2 साल लगा, बहुत पैसा गया है फिल्म में, अनफॉर्चुनेटली हिंदी वर्जन हैज नॉट पिक्ड अप। लेट्स सी गाइस, फिंगर्स क्रॉस, पहला दिन था आज लेकिन फर्स्ट डे राधे श्याम डिसअपॉइंट्स इन हिंदी लेकिन मेक्स रिकॉर्ड्स इन द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एरियाज। मैं आनंद साई साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।